नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज थोड़ा लेट सो के उठे और एकदम भयानक वाला न्यूज मिल गया है। सो के उठने के साथ ही सो के उठते पता चला कि एस्टेट का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। साला अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं और यहाँ एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। ठीक से सिलेबस एक दिन देख रहे थे लेकिन सोचे कि फिर आराम से देखेंगे एक दो दिन कल परसों आराम से देखेंगे। रक्षाबंधन हो जाता है तब देखेंगे। रक्षाबंधन हो जाता है तो आराम से रेस्ट करके फिर देखेंगे सिलेबस। फिर मिलेगा एक महीना टाइम तो पढ़ाई लिखाई करेंगे। पता बिना सिलेबस देखे चला यहाँ हो गया एडमिट कार्ड जारी। उधर चाय बन रहा, कल क्या बनेगा? दो दिन से भोज खाई है, पूरा पेट उठ खराब कर लिया भोज खा खा के। हम नहीं थे देखिए सब भोज खा खा के सब यहाँ पे दिख रहा है। लड्डू उड्डू बसिया वाला कटोरी में रखा हुई हुआ है। तुम तो नहीं खाएगा? नहीं, हम बसिया लड्डू नहीं खाते हैं। हम जब बन रहा अभी चाय बन रहा, चाय पियेंगे। ताजा लड्डू कौन खिलाएगा ये बताओ पहले। हम ताजा लड्डू हम लाएंगे कल। तुम कहाँ घबरा रही है? ठीक है और हम खा लेंगे, तुम अपना लड्डू खा लेना। मिठाई फिर लाएगा कौन? हम लाएंगे ना, रक्षाबंधन। अच्छा ठीक है, ठीक है। बुनिया वाला 10 रुपए वाला लड्डू खा लेना। ठीक है। अच्छा क्या ही बता दिया है। ठीक ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा मेरा। अपने सब्जी बनाना, रोटी। खाना आज बन रहा आलू, जो खाली आलू का सब्जी है, आलू चना दाल है। यह बसिया लड्डू हो, ठीक हो, खा ले बना जल्दी। बसिया लड्डू उड्डू तो पहले खा ले, ठीक है ना। रात वाला रोटी और सब्जी खाने के लिए यहाँ व्याकुल है। एडमिट कार्ड आने के बाद एस्टेट का पढ़ाई शुरू करने वाला विद्यार्थी पीछे सोया हुआ है। हम जा रहे हैं आज किताब लाने के लिए एस्टेट का। अभी थोड़ा देर पहले गए हुए थे मार्केट। मार्केट में गए हुए थे बुक देखने के लिए, एस्टेट का बुक देखने के लिए। और मार्केट में अभी तक कोई बुक ही नहीं आया है, एक भी बुक नहीं आया। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का सेट आया है एस्टेट का, तो वो उतना ठीक लगा नहीं तो वो बुक नहीं खरीदे हैं। अब देखते हैं दूसरा बुक आता है तो लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा और क्या। उसके बाद चले गए थे मॉल में, कुछ सामान लेना था लेकिन सामान मिला नहीं। तो इसी टहल वहल के उधर से मॉल उल घूमते हुए फिर आ गए हैं घर। अब घर आ गए हैं और अभी से फिर पढ़ाई लिखाई शुरू होगा, कुछ पढ़ेंगे। एग्जाम का डेट जिस तरह से आ गया स्टेट का, उम्मीद लगाया जा रहा है कि 4 तारीख से स्टेट का एग्जाम शुरू हो जाएगा। मतलब 3 से 4 दिन के बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब पता नहीं लोग 3 से 4 दिन में क्या पढ़ेगा, समझ से पढ़े हो। 3-4 दिन में सरकार भी कैसे तुरंत करवा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। न विद्यार्थी को समझ आ रहा है, न टीचर को समझ आ रहा है कि टीचर क्या पढ़ाए और विद्यार्थी क्या पढ़े। अभी आए हैं मार्केट से, लगभग 9 बजा है। आज हो गया मार्केट में लेट, यही सब सामान ले लेके आए हैं मार्केट से। सब चीज़ सर्फ साबुन चावल उबल राखी उखी मिठाई उठाए सब चीज़ लेके आए हैं। इसमें लाए हैं लैपटॉप है, लैपटॉप मेरा वाला ख़राब हो गया, दोस्त वाला लैपटॉप लेके आए हैं। कुछ काम है लैपटॉप से इसलिए लेके आए हैं ये लैपटॉप। खा पी के घर में सब सो गया है। मम्मी तेरे पंखा चला यार। हाँ चलाओ यार पंखा, बाहर वाला चलाओ। हाँ स्विच लगाते हैं। चले पंखा। ठीक हो, सब सामान ही में आ गए हन। इसमें है मिठाई का पाउडर है, गुलाब जामुन बनेगा 115 में एक। हाँ एडमिट कार्ड आ गया स्टेट का, भी चेक ही करके देख ही लेते हैं कहाँ आया है। एडमिट कार्ड से पता चल ही जाएगा कहाँ सेंटर है, देखते हैं कहाँ आया है। वो साइड बहुत स्लो काम करा, धीरे धीरे खुलेगा, इसको रात में आराम से करेंगे। देखते हैं कहाँ देता है सेंटर बिहार स्टेट का। नहीं कद्दू नहीं लिया है, लिखा रहेगा कद्दू में पंपकिन, इंग्लिश में लिख के भेजती है व्हाट्सएप पे पंपकिन। हम शायद ध्यान नहीं दिए इसलिए कद्दू नहीं लेके आया है। हमारे मिठाई यहाँ गांव में कमंडल में टांगते हैं। डबल डब्बा है रखा हुआ। और डबल डब्बा है इसीलिए। हाँ। ऐसे भी ऊपर है तो बिलाई उलाई नहीं उसको रहेगा, उसी झोला में दे गया है लगता है। हाँ सेब मुरमुरा वाला दे गया, ठीक है अच्छा है रखो, जब आ गया है तो खा तो लिया ही जाएगा। देखते हैं कि सेंटर कहाँ दिया है, हम देखते हैं। साइट तो स्लो काम कर रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है साइट। अब देखना होगा कि कहाँ सेंटर दिया है। बहुत पीछे आप गरम गरम रोटी बन रहा है, गरम गरम रोटी खाना है बस और सो जाना है। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं तब तक के लिए, फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में।